नमस्कार, नौ की नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में बाढ़ ने फिर से मुसीबत बढ़ा दी है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, नदियां उफान पर हैं। पटना में गंगा की गति ने लोगों की दुर्गति बढ़ा दी है। घर, स्कूल, गली मोहल्ले बाढ़ में डूब चुके हैं। लोगों के लिए बांध ही बसेरा बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। घर में पानी, स्कूल में पानी, सड़क पर पानी, गली मोहल्ले में पानी, चारों ओर पानी ही पानी। बिहार में बाढ़ की दस्तक से स्थिति बिगड़ने लगी। गंगा, गंडक, कोसी और बूढ़ी गंडक उफान पर है। पुनपुन, सोन और किऊल नदी भी रौद्र रूप दिखा रही है। बाढ़ की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पानी की प्रचंडता ने कितनी तबाही मचाई। खेत खलिहान, दुकान मकान, दालान सब के सब जल समाधि ले चुके हैं। लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। कोई सड़क पर सो रहा है तो किसी ने बांध को ही बसेरा बना लिया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति पटना की है। बिंद टोला में सारे घर पानी में है और लोग परेशानी में। मजबूरी ऐसी कि लोग मरीन ड्राइव पर टेंट बनाकर रहने को विवश है। बाल बच्चा के लेके रह के नहीं है साधन घर में। सब तरह से पानी हो गया, बाल बच्चा डूबे से बचा है। सब सामान लेकर के यहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, सामान लेकर सब पहुँचा है। बस इसी तरह ट्यूब पे चाली रख के इसी पे सामान एक एक करके ला रहे हैं। कोई अभी तक व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे देख ही रहे हैं। पूरा यहाँ तक पानी हो गया है। गंगा की गति पटना में कम नहीं हो रही, जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को सावधान करने के लिए भद्रघाट पर डेंजर जोन का बोर्ड लगाया गया है। किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भद्रघाट जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ गंगा नदी और सड़क की दूरी लगभग खत्म हो गई। काली घाट से गांधी घाट तक पाथवे का काम बंद हो गया है। आने जाने का रास्ता जलमग्न हो गया है और सीढ़ियां पानी में गायब हो चुकी है। पटना के ग्रामीण इलाके में तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह है। पथुआ और दनियामा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। कटैया घाट और त्रिवेणी संगम घाट डूब चुके हैं। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। हजारों एकड़ खेत में लगी धान की फसल पानी में गोते लगा रही है। मनेर के दियारा इलाके में 6 पंचायत बुरी तरह से प्रभावित। 76, महावीर टोला, इस्लामगंज, हाथी टोला, हल्दी छपरा और रतन टोला का संपर्क शहर मुख्यालय से टूट गया है। लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। कहाँ जा रहा है? तो हम लोग का सब क्षति हो गया, डूब गया, घर में पानी ढूक गया। अच्छा, हम लोग का जा रहे हैं पानपुर। पानपुर जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। लोग राहत कार्य का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करने की मांग कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि डूबते को प्रशासन का सहारा कब तक मिलता है। दानापुर से अमरजीत शर्मा, पटना से शैलेंद्र कुमार, विनीता मिश्रा और मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पटना में गंगा के अलावा दूसरे जिलों में किऊल, कोसी, पुनपुन और सोन नदी भी उफान पर है। गंडक और बूढ़ी गंडक भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। खेत खलिहान, दुकान मकान, दालान सब जल समाधि ले चुके हैं। वैसे तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन इन दिनों बिहार में वही जल जीवन पर भारी पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। आरा में पिछले 4-5 दिन से लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव और बड़हरा प्रखंड में माहुली के पास कई गांव गंगा में विलीन हो चुके हैं। खेतों में लबालब बाढ़ का पानी भरा है। फसल तो बर्बाद हो ही रहे हैं, जानवरों के चारे पर भी लाले पड़े हुए हैं। भूखमरी जैसी स्थिति बन गई है। अभी कुल 11 पंचायत जिले में पूर्णतः बाढ़ से इफेक्ट हुए हैं और कुछ पंचायत पार्शियली भी इफेक्टेड है, खासकर शाहपुर, बड़हरा, कोलवर, सदर तरफ में। सभी जगह वरीय पदाधिकारी, प्रखंड अंचल स्तरीय पदाधिकारियों का नियमित रूप से विगत दिनों से निरीक्षण हो रहा है। भागलपुर में हालात और भी ज्यादा भयावह है।
सबौर प्रखंड के मसाड़ू में घर के घर गंगा नदी की आगोश में समा रहे हैं। गंगा में गोते लगा रहे पक्के मकानों की ये तस्वीरें लोगों को डरा रही है। पेड़, सड़क, जमीन सब गंगा में बह रहे हैं। खून पसीने की मेहनत से बने आशियाने पानी की धारा में धाराशायी हो रहे हैं। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड नंबर 30 में बूढ़ी गंडक नदी का पानी घर में घुस गया है। बाढ़ पीड़ित अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तो घर में पानी घुसा हुआ है, सामान सब निकाल रहे हैं। अच्छा, सामान निकाल के कहाँ जाइएगा? कहीं उतार रहे पर रखेंगे। खगड़िया के ही परबत्ता में बाढ़ से हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए। गोढ़ियासी हाई स्कूल पूरी तरह डूब चुका है। शिक्षक नाव के सहारे स्कूल पहुँचते हैं। शिक्षकों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। मुंगेर के हेरू दियारा इलाके में मिडिल स्कूल भी डूब गया है। विद्यालय में 3 फीट पानी जमा है। बच्चों को लेकर किसी बड़े खतरे की आशंका जताई जा रही है। शिक्षक और स्कूल के हेडमास्टर सड़क किनारे डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि परीक्षा के कारण स्कूल आना इनकी मजबूरी बन गई है। स्कूल अभी तो विभाग की ओर से कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तो परीक्षा लेना वो सक्षम है। भारी बारिश के कारण कैमूर से निकलने वाली पहाड़ी नदियां भी उफान पर हैं। जिन झरनों में लोग नहाते हुए आनंद लेते थे, आज वहां खतरे की घंटी बज रही है। झरने की ये खूबसूरत तस्वीरें दिखने में आकर्षक तो लग रही हैं, लेकिन इनके पास जाना मौत को दावत देने के बराबर है। लोग इसमें जाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि ये धारा ना जाने कितनी जिंदगियां समेट लेगी। लोग के माध्यम से सबको ये मेरा अपील रहेगा कि कैमूर में, रोहतास में जो भी हमारी पहाड़ी नदियां हैं और झरने हैं, वहां पे अगर आप आते हैं तो वहां पे नदी के अंदर ना जाएं। वैसे तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन कभी कभी ये जल जीवन पर ही भारी पड़ जाते हैं। हर साल बिहार को ऐसी ही विभीषिका का सामना करना पड़ता है, जब बारिश के बाद बाढ़ मुसीबत बनकर आती है। आरा से चंदन, भागलपुर से आशीष रंजन, खगड़िया से दिग्विजय, मुंगेर से अरुण शर्मा और कैमूर से अभिनव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भागलपुर में गंगा डराने लगी है। एक बार फिर से गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। एक बार फिर से गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का रौद्र रूप एक बार फिर से भागलपुर में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम है और जो जल संसाधन विभाग की टीम है, वो अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन की ओर से येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लगातार जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में भागलपुर के निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है, और साथ ही साथ जो गंगा घाट है वहां पर लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि भागलपुर में बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ा है, और गंगा जो है भागलपुर में खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। खबर मुंगेर से है, जहां गंगा खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है, जिस कारण जिले में पानी घुसने से तबाही मच गई है। मुंगेर सदर और बरियारपुर प्रखंड के कई गांव में पानी घुस गया है। हालात ये है कि गांव के लोग दूसरी जगह पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। साथ ही दूसरे गांव से संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया है। विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में पानी घुस गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने 51 स्कूलों को बंद कर दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक गंगा का जलस्तर अचानक ही तेजी से बढ़ गया है। साथ ही डीएम के मुताबिक जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है।
चाहे वो मुखिया हो चाहे वार्ड हो, कोई भी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। हम आप सबसे यही अनुरोध है, जो भी है उनको हम कहते हैं कि हमारा सुरक्षित आकर के देखिए हमारा क्या गति है, हमारे गांव का परिवार का बाल का बच्चा का और कोई चीज़ का क्या परेशानी है, आकर के देखें। हल्ले का तो स्थिति बहुत गंभीर है, घर द्वार में जाने आने में दिक्कत हो रही है, साफ सुंदर घर से निकल रहा है, खाने बाने पानी पीने का भी दिक्कत थोड़ा होने जा रहा है। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है, जल स्तर में वृद्धि हुई है और लगातार वृद्धि हो रही है, तो हमारे जो भी प्रभावित अंचल हैं, चाहे वो सदर अंचल हो चाहे बरियारपुर हो और बहुत जो जमालपुर अंचल के भी कुछ भागों में जल स्तर में वृद्धि हुई है, इस पर हम लोग सतत निगाह रख रहे हैं और जहाँ पर भी नाव की डिमांड की जा रही है तो सभी जगह पर नाव उपलब्ध कराई जा रही है और बाकी जल स्तर पर हम लोगों की निगाह है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं सभी से हम लोग संपर्क में हैं और जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन तैयारी पर है, अलर्ट पर है, हम लोग देख रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पुंज कुमार सिंह नाम के माफिया को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, बिहार झारखंड का चर्चित बालू और कोल माइनिंग माफिया पुंज कुमार सिंह है। बता दें कि ईडी की पटना जोनल ऑफिस की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी की गई। झारखंड से लेकर बिहार तक बालू कोयला और शराब का अवैध कारोबार फैला हुआ है और इस कारोबार में आरोपी शामिल रहा है। करीब 210 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज हुए केस में गिरफ्तारी की गई है। झारखंड के धनबाद इलाके का रहने वाला यह आरोपी। आइए संजीव हंस के भ्रष्टाचार से जुड़ी रोज नई नई कहानी सामने आ रही है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईएएस संजीव हंस ने मोहाली और कसौली में बेनामी संपत्ति खरीदी। मोहाली और कसौली में चार आलिशान विला का खुलासा हुआ है। वहीं पंजाब के मोहाली में जमीन का बड़ा प्लॉट भी खरीदी की गई है। पंचकुला में 92.50 लाख में संपत्ति खरीदी गई थी। साल 2020 में कमलकांत गुप्ता के नाम पर संपत्ति खरीदी गई थी जिसके राशि का भुगतान संजीव हंस की पत्नी ने किया था। बता दें कि संजीव हंस और उनके बिजनेस पार्टनर पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत 14 लोगों के खिलाफ FIR स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने दर्ज किया है। FIR में खुलासा हुआ है कि संजीव हंस ने प्रीपेड मीटर लगाने वाली एक कंपनी को काम देने के बदले घूस के तौर पर एक मर्सिडीज कार लिया था जिसे इन्होंने अपने साले गुरबलतेज सिंह के दोस्त तरुण राघव के नाम से रजिस्टर्ड करवाया था। संजीव हंस के पास से 70 लाख रुपए मूल्य की जो 15 घड़ियां जब्त की गई थी, इसके बारे में संजीव हंस ने पूछताछ में बताया कि विभिन्न कंपनियों ने इन्हें कॉर्पोरेट गिफ्ट के तौर पर दी है। खबर सीतामढ़ी से है जहां जिला जेडीयू की महिला जिलाध्यक्ष के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि चप्पल की माला पहनाकर सड़क पर घुमाया भी गया। घटना बैरगनिया की है। महिला जिलाध्यक्ष की हालत गंभीर है और पिटाई की वजह से वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम पार्टी का कार्यक्रम था जिसमें महिला सेल के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया था। इसी को लेकर विवाद बढ़ा था जिसमें वार्ड आयुक्त संजय पटेल से उनकी नोकझोंक हुई। इस घटना के बाद राजनीतिक महकमे में हड़कंप मचा है। क्या वजह थी अभी आपसी कुछ इनका विवाद था, फेसबुक पे कुछ पोस्ट को लेकर के इनका आपसी विवाद था, उसी में ये घटना हुई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी वार्ड पार्षद बताया जा रहा है। हाँ, आरोपी वार्ड पार्षद बताया जा रहे हैं संजय सिंह, उनकी विरुद्ध उन्हें जा सकती है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर दरभंगा से, चाहे एक साथी ठग पुलिस वाला बनकर गाड़ी चेकिंग का झांसा देकर दो युवक से उनकी गाड़ी ठग कर फरार हो गया। ठगों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ठग की तलाश में जुट गई है। घटना विश्वविद्यालय थाना के बाग मोड़ बेला गुमटी के पास की है जहां फर्जी दारोगा गाड़ी चेकिंग कर रहा। ठग ने अमर यादव की गाड़ी चेकिंग के नाम पर रोकी और उनकी गाड़ी के साथ मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। इस डीपीओ के निर्देश पर पुलिस की टीम टेक्निकल सेल के साथ ठगों की तलाश कर रही है।
तो बेलाल में गुमटी पे चेकिंग कर रहा है, चेकिंग पे अकेले था वो, आया गाड़ी का चाबी निकाल लिया और बोला कि पेपर दिखाओ, इंश्योरेंस पेपर दिखाया तो बोला कि आरसी दे दिए गया। तो हम आरसी के लिए चले गए, फ़ोन कर रहे थे दोस्त को, तब तक मेरे साथ जो लड़का था उसको बैठा के ले गया और कैंप यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के पास उसको हॉस्पिटल में बैठा के चला गया। गाड़ी आ रही उसका अपनी मोबाइल लेकर, पुलिस भर्ती में था, डबल स्टार था, जिसके जेज में था और बाकी चेकिंग के जो संसाधन होते हैं कि गश्ती की गाड़ी रहती है या फिर ट्रॉली रहती है, गाड़ी रोकने के उपकरण रहते हैं, ऐसे कोई उपकरण नहीं थे, लेकिन वो उसके बहकावे में नागरिक आ गए। सर आप पुलिस अगर तक क्या कार्रवाई कर रही है इस मामले में? पुलिस एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान कर रही है जल्द से जल्द ताकि उसे पकड़ा जा सके। दलित बस्ती में आगजनी के बाद इलाके में बिहार सरकार के मंत्रियों को का दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और नवादा के जिला प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार देराज प्रभावित दलित बस्ती पहुंचे। उन्होंने बस्ती का दौरा किया, साथ ही जले हुए घरों को देखा और पीड़ित लोगों से भी मुलाकात की। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, कार्रवाई हो रही है और लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, जिला प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई की है। अगर के 28 लोग FIR में नाम दर्ज किया गया है, 15 नाम जो नामजद थे लोग थे मुखबिर सही जाकर के अरेस्ट कर लिए गए हैं। आगे और भी कार्रवाई की जा रही है अगर के, और सहायता के लिए सुबह भोजन खाना पूरा प्रबंध किया गया है, रहने के लिए टेंट लगाया जा रहा है ताकि दिक्कत नहीं जाकर के हो, और प्रति व्यक्ति 1,05,150 रुपये की राशि के हिसाब से 31 परिवार को दिया जा चुका है। 3 परिवार अभी थे नहीं जाकर के, उनको भी सहायता दी जाएगी जाकर के। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है जाकर के, और जिस घटना घटी है काफ़ी शर्मनाक दुखद जाकर के है, घटना की निंदा मैं करता हूँ जाकर के, और जिला प्रशासन वरीय पदाधिकारी इस मामले में काफ़ी तेजी से कार्रवाई शुरू की जाकर के है, और निश्चित तौर पर बचेगा नहीं, बिहार में सुशासन का राज जाकर के है, जिन लोगों ने कानून को हाथ मिलने का काम किया है उनके खिलाफ। नवादा में दलित बस्ती में आगजनी के बाद जिला प्रशासन की तरफ से स्थिति को सामान्य करने की पहल की जा रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने आज पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दी। जिन लोगों के घर चले थे उन्हें DMSP सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने चेक के जरिए राशि का वितरण किया। कुल 31 लोग को चेक की राशि दी गई। सभी पीड़ितों को 1,05,125 रुपए दिए गए। साथ ही लोगों के रहने और खाने की भी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इनका घर जला था या जो हताहत हुए थे इस घटना में, उन्हें प्रत्येक परिवार को 1,05,150 रुपये का चेक जिला प्राधिकारी के द्वारा दिया गया है। उसमें 3 परिवार के सदस्य अभी नहीं थे, कहीं गए हुए थे, उनका चेक बना हुआ है, उन्हें कल हस्तगत करा दिया गया। और उसके अलावा एक जो मृत्यु हुई थी उनको भी 20,000 रुपये का जो पारिवारिक लाभ योजना है वो भी दे दिया गया। उसके अलावा कबीरा अंत्येष्टि योजना का लाभ भी उनको दे दिया गया। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल मिलने की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए। अब जांच के बाद रिपोर्ट सामने आई है जिसमें फिश ऑयल मिलने की बात कही गई है। इस बेहद सनसनीखेज खुलासे से धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किए जाने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सबसे पवित्र स्थल को लेकर के एक बड़ा विवाद सामने आया है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल कराने का आरोप खुद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र के पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया था। अब तिरुपति के नैवेद्यम में बड़ी मिलावट की पुष्टि हुई। तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी की पुष्टि की गई। तिरुपति के लड्डू में मछली के तेल की भी पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट में लड्डू में मिलावट की पुष्टि की गई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। बता दें कि आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने यह बेहद ही गंभीर आरोप लगाया था। जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय मिलावट का ये मामला 2019 से 2024 के बीच का था। CM नायडू के इस बयान पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP ने भी जवाब दिया।
इसमें कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि तिरुमाला के प्रसाद नवेद्यम यानी कि लड्डू को घटिया सामग्री से बनाया जाता था, घी की जगह पशु की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। नायडू ने कहा कि अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मंदिर में हर चीज को सैनिटाइज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।